देश भर में बढ़ती गर्मी और हीट वेव से लोगों की मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उड़ीसा में भी गर्मी अपने चरम पर है। यहां पिछले 72 घंटों के दौरान कलेक्टरों ने लू से कथित 99 मौतों के मामलों की सूचना दी है। हालांकि कलेक्टरों ने 99 कथित मामलों में से 20 की पुष्टि की है। अधिकारी ने बताया कि इस बार की गर्मी में अभी तक कुल 141 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 26 लोगों की मौत का कारण लू लगना बताया जा रहा है। इस भीषण गर्मी से अभी कोई राहत मिलने की आशंका नहीं दिख रही है। यहाँ हीट वेव चल रही है। आईएमडी के अनुसार उड़ीसा के सोनपुर में 2 जून को अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री, टिटड़ागढ़ में 42.5 और बौद्ध में 42.1 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन देश भर में लू की तीव्रता में कमी आने की आशंका है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हीट स्ट्रोक से अचानक हुई इतनी अधिक संख्या में मौतों को लेकर राज्य सरकार भी चिंतित है। लगातार हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या को बढ़ते देख शनिवार को 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम राउरकेला सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां पर बुरला से आए प्रोफेसर भूटेश्वर प्रधान, स्टेट सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पैतराय व डॉक्टर आरगे प्रधान ने आरजीएच के अधीक्षक डॉक्टर गणेश प्रसाद दास के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बताया जा रहा है कि ये 3 सदस्यीय टीम हीट स्ट्रोक की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी। इधर स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि बुजुर्गों के साथ साथ बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्ट्रोक का खतरा अधिक रहता है। ज्यादा पसीना आना, चक्कर आना और आंख के सामने अंधेरा छा जाना, तेज प्यास लगना, मांसपेशियों में जकड़न, बेहोशी हो जाना लू लगने के लक्षण हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सुबह या शाम में धूप कम होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर जाने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, छाते और जूतों का प्रयोग करें, धूप में शारीरिक श्रम ना करें और ज़्यादा दूर तक पैदल ना चलें, बीच बीच में छाया में आराम करें। वहीं अगर कोई व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार हो जाता है तो इस तरह के व्यक्ति को इलाज के लिए किसी खुले और ठंडी जगह पर ले जाएं। ORS या चीनी नमक की चाशनी या सादा पानी पिलाएं। संभव हो तो कपड़े खोल दें। लू लगने वाले व्यक्ति के सिर को धोकर गीले कपड़े से पोंछ लें। मरीज को पंखे या कूलर या AC से हवा में सुलाएं। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर स्वास्थ्य कर्मचारी को जानकारी दें या फिर एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग ने सलाह दी है।